आज सिंध दिस। आज बशीर खान साहब क्या महसूस कर रहे हैं, इस रैली का मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि 1940 में 23 मार्च को लाहौर में जो करार दे पाकिस्तान पर जो हमने रजाकारना तौर पर शिरकत करके एक खुद मुख्तियार रियासत की हैसियत में पाकिस्तान में शामिल हुए थे, मगर आज तक 65 साल इस मुल्क को गुजर चुके हैं, 65 से भी ज़्यादा दफ़ा उस करारदाद पर अमल नहीं हुआ है और 65 दफ़ा उसकी तजलील की गई है। अब सिंध के लोग आज लाखों की तादाद में उस करारदाद को रद्द करके सिंध की आज़ादी का मुतालबा करेंगे, पूरी दुनिया को बताएंगे कि एक हम कौम हैं, आज़ादी हमारा बुनियादी और पैदाइशी हक है और आज़ादी मुमकिन है। आपके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है, गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है, तो क्या करेंगे? साईं जी एम सैयद पर बगावतों के बहुत सारे केस बने मगर अदालतों में नहीं लाया गया। हम एक तारीख का सच हैं, हम हजारों सालों का तसलसल हैं, हम आज़ाद मुल्क की हैसियत में हमेशा रहे हैं और आज़ादी चाहते हैं। मुकदमा बनाएं, गोलियां चलाएं, हम फांसी के फंदों पर चढ़ने के लिए तैयार हैं। आज आप क्या समझते हैं कि ये जो रैली है ये पैगाम दे रही है कि पाकिस्तान से आप अलहदगी अख्तियार करना चाहते हैं? बिल्कुल, सिंध आज़ादी मांगता है, सिंध घुरे थी आज़ादी।